अपनी रंजिश के चलते हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को मोहन नगर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुंडागर्दी एवं समाज में अशांति फैलाने वाले आरोपी पर नकेल कसने लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग CSP बैकर वैभव रमन लाल के निर्देश पर एवं थाना मोहन नगर के प्रभारी विपिन रंगारी के नेतृत्व में गुंडागर्दी एवं समाज में अशांति फैलाने वाले अपराधियों पर धरपकड़ करते एक शिकायत पर जगजीत सिंह उर्फ कैप्टन अपने साथियों के साथ घर के अंदर जबरदस्ती घुसकर अश्लील गाली गलौज कर रहा था। साथ ही डंडा लात घूसों से मारपीट करने लगा तथा राहुल मरकाम अपने पास रखे चाकू से पिंटू को जांघ में लगातार वार कर घायल कर दिया, जिससे कैप्टन व रजत सोनी द्वारा सिर व शरीर में गंभीर चोट आई। वहीं मोहन नगर थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान मौके में अन्य गवाहों से पूछताछ करने पर घटना में सुरेश सोनकर, शुभम उर्फ समीर दुबे एवं एक अपचारी बालक की भी संलिप्तता पाई गई, जिसमें गंभीरता दिखाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा तत्काल पुलिस की कई टीमें लगाई गई, जिसके बाद घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। वहीं सभी आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर बतलाया गया कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की योजना बनाकर हमला किया गया था। इस संबंध में दुर्ग CSP वेंकर वैभव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मोहनगर थाना क्षेत्र में 4 तारीख को रात को एक हादसा हुआ था, जिसमें एक 45 साल की के एक आदमी को चाकू से मारा गया था एवं किसी वस्तु से मारा गया था। इस अपराध का संज्ञान लेकर मोहनगर थाने में अपराध कायम किया गया था, जो कि 294, 506, 456, 307 और 34 भारतीय दंड संहिता के अंडर अपराध कायम किया गया था। टीम लगातार इसमें आरोपियों को पकड़ने के लिए लगी हुई थी और 6 तारीख को 6 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें से एक नाबालिग। इनके अभी जो रिकॉर्ड्स हैं वो देखे जा रहे हैं और इनका जो भी अगर पुराने अपराध होंगे तो उनको भी संज्ञान में लिया जाएगा। फिलहाल इस असफल हत्या की योजना को पुलिस द्वारा नाकाम कर दिया गया है। देखना होगा कि आगे इन आरोपियों को किस तरह की सजा दी जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।